ले आ जा बाहर निकल कर, ले पानी पी ले। ये भी गैस निकल के आ गई बाहर। रुक जा एक मिनट रुक जा बस, तुम्हें ठंडक देखा। ये लेटा हुआ है यहाँ पे और ये तो ना बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे हैं, और एक पता ना भाई कहाँ पे। वैसे तो ये टोटल 5 पप्पीज हैं ये। और भाई ये जा रही है पप्पीज के पास ना। पहले तो सुबह इसने इसके नीचे दिए थे, रूटर वेटर के नीचे इधर की साइड से भाई, तो हमने अंदर देखा, वो तो भाई सही टाइम पे देख लिया, वरना भाई इसके मारे जाते ही सही पप्पीज। तो अभी तो इसका ना घर बना दिया, किवाड़ वगैरह मतलब टूटी हुई पड़ी थी, तो उसके इसका घर बना दिया, तो उसके अंदर इसकी पप्पीज को रख दिया है। ये बैठी उसके, ये रहे पप्पीज, 5 पप्पीज। वैसे अभी ठीक से तो घर नहीं बनाया, लेकिन ये है ना कि अभी थोड़ा धूप वगैरह नहीं आएगी यहाँ पे, तो उस हिसाब से फिर भी बहुत ज़्यादा ठीक है। तो एक तो भाई ये लेटा हुआ है यहाँ पे, और ये तो ना बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे हैं, और एक पता ना भाई कहाँ पे। वैसे तो ये टोटल 5 पप्पीज हैं ये, और एक तो भाई सबसे लास्ट में लेटा हुआ। वैसे अभी इनका घर ना ठीक से बनाते हैं थोड़ी देर में। वैसे तो ये भी बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है, क्योंकि ये भी भाई घर की बली हुई है ये भी। तो इसका एक पैर तो पहले से टूटा हुआ है, वो तो मैंने आपको पहले दिखाया था ये वाला। और इसमें एक पप्पी तो भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ लग रहा है, ये तो मतलब सब सोए हुए हैं, लेकिन भाई ये चिल्ला रहा सबसे अलग से। और ये वाला ये थोड़ा ब्लैक टैन कलर में है, और ये शायद पूरा ब्लैक लग रहा, शायद ये पूरा ब्लैक ही है, फुल ब्लैक नहीं भाई, ये भी मतलब वाइट है थोड़ा, ब्लैक और वाइट पप्पी है। और इनके ना भाई मुंह में ना मिट्टी भर चुकी है, क्योंकि ये ना जो फीमेल डॉग है अभी मिट्टी खोद रही है, तो भाई सब पप्पीज के ना ऊपर इसने मिट्टी मिट्टी कर दी। तो अभी तो पहले ना इन सभी पप्पीज को यहाँ से हटाते हैं, और हटाने के बाद में इसका दोबारा ठीक से घर बनाते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी ये है ना कि यहाँ पे बस धूप वगैरह नहीं आ रही है, ये थोड़ी गर्मी तो है, तो उसके लिए पानी वगैरह का भी यहाँ पे थोड़ा व्यवस्था वगैरह करते हैं पानी के लिए, ताकि इसको कोई दिक्कत वगैरह ना हो। तो अभी तो इसको बस ऐसे ही रख दिया यहाँ पर, एक किवाड़ ये रख दी साइड में दीवार से टेक करके, और एक इधर से ताकि इसमें धूप वगैरह ना पड़े। इधर से इसका जाने का रास्ता हो गया अंदर से। सुबह भाई इस वाले गड्ढे में इसने पप्पीज रख रखे थे यहाँ पे, और ये रूटर वेटर थोड़ा सा पीछे था, तो उसको हटा के फिर ये निकाले। और एक फीमेल डॉग और है हमारी देसी, जो कि वो भी पप्पीज देने वाली है, मतलब 3 से 4 दिन वो पप्पीज दे देगी। तो ये खाली मतलब फील्ड वगैरह है घेर, तो इसी में, वैसे इसमें तो भाई क्या सर कोई डर वगैरह था नहीं, क्योंकि चारों ओर से इसकी बाउंड्री वगैरह हो रही, तो यहाँ पर तो किसी का आने का वो भी नहीं है, कोई दिक्कत वगैरह। तो अभी तो पहले चलते हैं, और चलने के बाद ना इसके पहले खाने के लिए कुछ लेकर आते, फिर देखते हैं उसके बाद में क्या करना। तो अभी तो पहले मैंने ये गेट बंद कर जाऊँ, ताकि मैं अंदर कोई नहीं जाने पाए। तो अभी क्या चलते हैं अपनी देसी डॉग के लिए पानी लेकर के, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा ना गर्मी हो रही, उसके छोटे छोटे पप्पीज भी हैं, तो वो वैसे भी वहाँ से नहीं आ रही है, तो अभी हम ही चल के रख के आते हैं उसके। मैं तो आ चुके हैं, और हमारी देसी डॉग उधर की साइड में, उसको एक पानी वगैरह रखते हैं। ले आ जा बाहर निकल कर, ले पानी पी ले। और ये भी गैस निकल के आ गई बाहर। रुक जा एक मिनट रुक जा बस, भाई ठंडक देख रहा है मतलब कहाँ पे। और ये भी ना काफ़ी ज़्यादा प्यासी है, और कोई प्यार वगैरह रख रही, हाँ अभी रख रहा बस, रुक जा। और अंदर बैठे हुए इसकी पप्पीज दोबारा भाई, इसने फिर पुनः पूरे धूल में कर लिए। तो ले आ जा यहाँ पर रख रहा, चल पी ले। उसका ये भाई एक बार टूटा हुआ इसका, क्योंकि भाई पहले से टूटा हुआ है इसका बचपन से ही। तो अभी देखते हैं इसके पप्पीज को, तो ये तो ये पानी पी रही भाई, इसने तो ना दोबारा अपने पप्पीज को भाई मिट्टी में डाल लिया भाई, पूरे पप्पीज मिट्टी में कर दिए। मतलब कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ तो भाई इसका करना पड़ेगा, कि इसके जो पप्पीज हैं वो भाई मिट्टी में ना हो। और एक भाई इधर की साइड में, ये टोटल 5 पप्पीज हैं ये, और ये तो मेरी साइड में ही आ रहा, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा। लेकिन अभी इसका बस थोड़ा सा देखते हैं घर वगैरह दोबारा बनाने का, क्योंकि अभी मेरे को भी थोड़ा सा टाइम नहीं था, क्योंकि अभी मैं भी बस ट्रीटमेंट वगैरह करके आ रहा हूँ, क्योंकि एक भाई थे जो बरार वाले गाँव के, तो अपने डॉग को लेकर के आए थे, तो अभी उसका ट्रीटमेंट किया था, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार था। अब इसके पास मैं आया हूँ, अब देखते हैं क्या करना। तो किवाड़ वगैरह रख दिए यहाँ पे,
बस ये ना कि भाई धूप तो नहीं आ रही लेकिन थोड़ी गर्मी तो लगी रही है इससे, क्योंकि ये ना दोनों साइड की दीवारें भी भाई गर्म हो गई होंगी अंदर, तो उसको पहले तो ना थोड़ा सा ऐसे करते हैं पीछे की साइड में, ताकि अंदर की साइड में जो है गैप ज़्यादा हो जाए, ताकि अच्छी खासी जगह रह जाए अंदर बैठने की, कोई दिक्कत भी ना आए। उसके बाद में देखते हैं इसके ऊपर से कोई पुराल वगैरह डालते हैं, जो प्यार वगैरह आता है घास फूस वगैरह पूरे को कवर करते हैं, उसके पानी के बनाते हैं यहाँ पर खाने पानी का, जो कि एकदम ठंडा रहे यहाँ पर। वैसे तो यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं, पूरा फील्ड वगैरह मतलब खाली पड़ा है यहाँ पर, और आगे भी भाई पूरा ऐसे ही है यहाँ पे, मतलब वैसे तो कुछ नहीं, बस ऐसे बस घूमने के लिए आ जाते हैं, और इधर भाई गोबर वगैरह जो गाय भैंस वगैरह उसको गोबर वगैरह पड़ा रहता, वैसे तो भाई यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। तो अभी यहाँ पे हमारी देसी डॉग रहा करेगी, ये मेन गेट बाद में हम बंद कर ही देते हैं, वहाँ पर लॉक लग जाता है तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं। तो अभी इसने पानी वगैरह पी लिया है, तो ये भी दोबारा पप्पीज़ के पास जाने लगी। ए आ जा, देख दोबारा मिट्टी खोदेगी वहाँ पर जाकर, इधर आ जा बंद कर लिया। तो गाइस इसने ना दोबारा से वही हरकत करनी स्टार्ट कर दी, मैं दोबारा ही मिट्टी में कर दी मतलब सब पे सब और बैठ के। तो इसका भाई घर बनाना ही पड़ेगा हमको, मैंने सभी पप्पीस मारे जाएंगे, तो पहले तो उसको पानी को दूर रख देते इससे। वैसे तो अभी मेरे अलावा यहाँ पर कोई है भी नहीं, तो अभी तो ये मेरे को ही करना है। तो पहले तो भाई इस वाली किबाड़ को पीछा कर दो थोड़ी सी, ताकि थोड़ा सा गैप वगैरह बन जाए यहाँ पर। तो उसको पीछा कर दिया मतलब उसकी जगह से हटा दिया, तो अब तो काफ़ी ज़्यादा जगह भी हो गई है, अंदर की साइड भी काफ़ी ज़्यादा जगह हो गई। ये भाई पूरा ना इतना एरिया हट गया पीछे की साइड में, तो काफ़ी ज़्यादा जगह है। बस थोड़ा ये है ना, बस अब उसका घर बनाना है, थोड़ा अंदर से मतलब ठीक सा करना, जो कि मिट्टी वगैरह हम ना कर सके पप्पीस को। भाई ये ना पूरे के पूरे भाई मिट्टी में भर लिए, वैसे तो भाई बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है ये तो भाई पूरा मिट्टी मिट्टी में हो गया। तो उनका भाई जल्दी ही घर बनाना पड़ेगा, वरना तो ये भाई सभी मर ही जाएंगे, बचेंगे नहीं, क्योंकि मिट्टी वगैरह अगर इनके मुंह में चली गई नाक में चली गई तो दिक्कत आएगी। यहाँ पर पड़े हैं ये प्यार के पूरे, हमारे यहाँ पर उसको प्यार ही बोलते हैं। तो सोच रहा भाई इसको लगा दूँ उधर की साइड में ले आके, वहाँ पे पप्पीज़ के पास में, क्योंकि इससे ये ना पर थोड़ा मतलब गर्मी तो रहेगी, लेकिन भाई इसके अलावा कर भी कर सकते हैं, भूसा वगैरह भी नहीं डाल सकते, क्योंकि भूसा भी इनके मतलब आँख में और मुंह में चला जाएगा तो दिक्कत आएगी। तो कुछ और ही देखते हैं इसके लिए अभी।